दोस्तों एक और अपडेट में आप लोग का स्वागत है। एक और नया वैकेंसी निकल के आ रहा आप लोग के बीच। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है दरभंगा से निकल के आ रहा है। तो ये दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय वैकेंसी 2024 देखने को डिस्प्ले पे अभी आप लोग को मिल रहा है। तो इसका हमारे एक अपडेट देंगे, कब इसका क्या हो रहा, कब इसका इंटरव्यू होगा, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और हर एक अपडेट लेते रहिएगा। तो इसके लिए जो है इसका जो नोटिफिकेशन है या जो भी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग जुड़ करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर और देखते हैं इसमें क्या क्या जो है दिया हुआ। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकल के अभी आ रहा वो आ रहा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय से जो है निकल के ये आ रहा। तो दोस्तों दरभंगा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से ये वैकेंसी आप लोग को दिखने को मिल रहा। तो इसमें तीन चार पोस्ट है, देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसका जो है सैलरी, सैलरी क्या होगा, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अपडेट इस वीडियो में नहीं मिलेगा वो आपको अगले वीडियो में जो जैसे जानकारी प्राप्त होगा उस हिसाब से आप लोग को हर एक अपडेट दिया जाएगा, कब क्या होने वाला, ये सारा अभी अपडेट हम आप लोग के बीच लेकर के आएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसमें क्या कैसे दिया हुआ, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है इसका एक नोटिफिकेशन मिला है, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी हम आप लोग के बीच ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये आ रहा, देखिए ये नोटिफिकेशन जो है दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दरभंगा में, इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रहा है। इसका जो सूचना है क्या कैसे वो सारा चीज दिखाएंगे। मब्बी पोस्ट लाल शाहपुर भाया पीटीसी जिला दरभंगा, पिन कोड इतना है बिहार। ये वैकेंसी देखने को मिला। साक्षात्कार सूचना, साक्षात्कार का ये सूचना, इंटरव्यू कब होने वाला है, ये सारा चीज पीडीएफ के माध्यम से अभी हम आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा के निम्नलिखित संकायों में अतिथि सहायक प्राध्यापक पुस्तकालय की रिक्त पद के विरुद्ध छात्र हित में आवश्यकता आधारित कार्य लेने के लिए साक्षात्कार हेतु निम्न तिथि निम्बत है। तो दोस्तों इसमें जो है दो तीन सब पोस्ट है, अतिथि सहायक प्राध्यापक और दूसरा पुस्तकालय के रिक्त पद में जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। दरभंगा से ये आ रहा। तो क्रमांक संख्या 5 दिए हुआ, 1 2 3 4 5। संकाय का नाम किस किस डिपार्टमेंट में है ये सारा चीज अभी हम दिखाने वाले हैं। असैनिक अभियंत्रण विभाग से ये वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण विभाग से ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस अभियंत्रण विभाग से वैकेंसी देखने को मिलेगा। फायर एंड सेफ्टी अभियंत्रण विभाग और भौतिकी विभाग, ये सारा 5 कैटेगरी है। इसमें जो है दिनांक 24/7/2024 at 11 AM DCE दरभंगा, ये जो डेट दिया हुआ है 24/7 को DCE दरभंगा में 11 AM को जो है ये इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारा विभाग दिया हुआ है, इस विभाग से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए जो एलिजिबल है वहां पे जाके अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। और दूसरा नंबर जो है पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरियन के लिए ये वैकेंसी मिलने को जा रहा है 24/7 को, ये भी 11 DCE दरभंगा में जो है इसका साक्षात्कार होने वाला है। तो दोस्तों इसके आगे दिया हुआ है कि अतिथि सहायक प्राध्यापक
और लाइब्रेरियन की योग्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE के अनुसार अनुमान्य होगा। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा AICTE से अप्रूवल होना चाहिए। यह नियुक्ति पूर्णतः वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है। वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था मतलब जो है ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखने वाला है, जो बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। मतलब आपको सूचना नहीं भी देगा, सूचना नोटिस के जरिए या कोई भी माध्यम से आपको दे करके वहां से निकाल भी सकता है। यह आपको फिक्स जॉब नहीं है। इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में आपका जो कोई दावा जो कीजिएगा कि यह हमारे लिए जो करना जरूरी है और हमको रखना जरूरी है, यह सब मान्य नहीं होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियमानुसार दे होगा। तो जो भी आपका जो पे होगा बिहार सरकार के मान्य के हिसाब से जो है विभाग नियम अनुसार ये पेमेंट दे होगा। अभिरुचि वाले योग्य उम्मीदवार जो इसके प्रति अभिरुचि रखते हैं, इनके उम्मीदवार हैं, तो इस तिथि को अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा में आयोजित साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल है वो अपना जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता का भुगतान दे नहीं होगा। अगर आप इसमें इच्छुक होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसमें आपका कोई जो है भुगतान नहीं किया जाएगा, ये आपका अपना खर्चा होगा। नोट में दिया हुआ है यदि साक्षात्कार की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा के वेबसाइट DCEC दरभंगा ORG पर सूचना दे दिया जाएगा। तो ये इसका वेबसाइट है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का, वहाँ पे अगर कोई त्रुटि होता है तो उस साइट पे जो है आपको जो अपडेट किया जाएगा। अगर साक्षात्कार का डेट बढ़ता है घटता है तो वहाँ से अपडेट आपको मिल जाएगा। उपयुक्त सूचना जो है state.bihar.gov.in ये पर जो है आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारा जो है इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन था, क्वालिफिकेशन अभी हम नहीं बताए हैं। साइंस प्लस एमटेक ओ तो इसका क्वालिफिकेशन नहीं है। असैनिक अभियंत्रण विभाग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। भौतिकी विज्ञान है तो भौतिकी विज्ञान से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप लोग जो है ये PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। जो भी इसका जो क्राइटेरिया होगा, कुछ नया अपडेट आता है तो इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको जो है अपडेट किया जाएगा। और बता ही दिए कि भत्ता मानदेय जो होगा आपका सैलरी वो इंटरव्यू बेस पे तय किया जाएगा, जो भी होगा जैसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।